हेलो दोस्तों, मैं मनीषा, आप सभी का हमारे चैनल चैनल लर्न करते हैं मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे वाज वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। ठीक है, तो वाज वर्ब इज़ यूज्ड विथ पास्ट टेंस। वाज वर्ब का यूज़ पास्ट टेंस में होता है। हमने इज एम आर का यूज़ भी बताया हुआ है आपको। ठीक है, उसका यूज़ प्रेजेंट टेंस में होता था। ओके, प्लीज़ आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा जिससे अच्छे से समझ में आए। वाज इज़ यूज्ड विथ सिंगुलर नाउन ही सी इट आई एंड नेम। तो वाज का यूज़ कहाँ होता है? ही के साथ होता है, सी के साथ होता है, इट के साथ, आई के साथ और कोई भी जो नाम रहे उसके साथ होता है वाज का यूज। अब देखिए, चलिए एग्जाम्पल लेते हैं हम। तो जैसे एग्जाम्पल में वह राम था, ठीक है, ही वाज राम, मैं पढ़ रहा था, आई वाज रीडिंग, ओके, और वह हंस रही थी, तो सी वाज लाफिंग, श्याम खेल रहा था, श्याम वाज प्लेइंग। देखिए, वह राम था, यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, ओके, बस हम किसी को बता रहे हैं कि वह राम था तो वाज हो गया। तो जब भी हमारा किसी सेंटेंस में हिंदी में था का यूज़ होगा तो वहाँ हम वाज का यूज़ करेंगे, लेकिन जहाँ सिमिलर नंबर होगा, जैसे हमने पहले बताया ही सी इट और नेम के साथ, वाज का यूज़ होगा जब था का यूज़ होता है हिंदी में। अब इसी तरह मैं पढ़ रहा था, ओके, तो आई मैम का इंग्लिश हो गया आई और था वाज रीडिंग हो गया। ठीक है, आई वाज रीडिंग। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना होगा कि जब भी वर्ब आए और वर्ब में आईएनजी रहे तभी हमारा वहाँ वाज या फिर वर्ब का यूज़ होगा। जैसे वहाँ मैं पढ़ रहा था है, तो फिर इसलिए वहाँ हमने आई वाज लगाया, आई वाज रीडिंग। ठीक है, अब उसी तरह वह हंस रही थी, ठीक है, अब वह लड़की है तो सी का यूज़ हमने किया, तो सी वाज लाफिंग। अब देखिए, यहाँ भी लाफ में आई एन जी लगा हुआ है तो यहाँ हमने वाज का यूज़ किया। और हिंदी में अगर हम बात करें तो जब रही आता है ना, रहा रही, तो फिर जैसे वो हंस रही थी तो हंस रही आ गया, तो यहाँ पर हम यूज़ करेंगे लाफिंग, तो आई एन जी लगा देंगे और फिर वाज का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सी वाज लाफिंग हो जाएगा। अब हमारा नेक्स्ट है श्याम वाज प्लेइंग, तो श्याम खेल रहा था, ठीक है, श्याम खेल रहा था, तो इसका हो जाएगा इंग्लिश श्याम वाज प्लेइंग, नाम है तो नाम के साथ हमारा वाज का ही यूज होता है जैसा हमने पहले बताया है, तो फिर श्याम के साथ वाज लगेगा, श्याम वाज प्लेइंग, श्याम खेल रहा था। चलिए अब देखते हैं वर्ब का यूज़ कहाँ होता है। तो वर्ब इज़ यूज विथ प्लूरल नाउन। वर्ब का जो यूज़ होता है वह प्लूरल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन यानी कि यू, वी, दे और प्लूरल नंबर, जैसे बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सब प्लूरल नंबर हो गए तो उसके साथ होता है। यहाँ देखने में तो यू जो है वो सिंगुलर है, क्योंकि तुम का जब यूज़ करते तुम खेलते हो तो यू सिंगुलर में आता है, पर यू प्लूरल में भी आता है, इसलिए हम वर्ब का यूज़ करते हैं यू, वी, दे और प्लूरल नंबर के साथ। चलिए हम एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे तुम रो रहे थे तो यहाँ पर हो जाएगा यू वर विपिंग, जो कि तुम का होता है यू, और यहाँ रहे थे आ गया है इसलिए विप में आई एन जी लग गया, यानी कि वर और विपिंग हो गया, तो यू वर विपिंग हो गया। अब हम लोग सो रहे थे तो हम लोग का हो गया इंग्लिश वी, तो वी के साथ होगा वर, तो वी वर स्लीपिंग हो गया, फिर से हमारा स्लिप में आई एन जी लग गया। अभी वे लोग कमरा साफ कर रहे थे तो यहाँ हो जाएगा दे वर क्लीनिंग द रूम, साफ करना का क्लीन होता है तो साफ कर रहे थे तो इसलिए यहाँ हो गया दे वर क्लीनिंग द रूम, साफ कर रहे थे। अब है लड़कियाँ खेल रही थीं, तो यहाँ लड़कियाँ हैं इसलिए द गर्ल्स हुआ और द गर्ल्स आया इसलिए यहाँ पर वर हुआ, क्योंकि प्लूरल आ गया तो द गर्ल्स वर प्लेइंग, लड़कियाँ खेल रही थीं। अब चलिए कुछ हम क्वेश्चंस लेते हैं, उसमें फील करेंगे कि कौन सा वाज कहाँ यूज़ होगा और कहाँ वर फील होगा हमारा। ठीक है, कहाँ वर हमारा भराएगा और कहाँ वाज हमारा होगा। तो चलिए ऐसे सेंटेंस को लेते हैं। अब यहाँ है दैट डैश योर टॉय, ठीक है, तो यहाँ पर अब बताइए क्या होगा, वाज होगा या फिर वर होगा, क्योंकि यहाँ पर दैट है, याद रखिए यहाँ पर दैट है जो कि सिंगुलर है, तो यहाँ पर क्या होगा, यस वाज हो जाएगा। ओके, अब है द बॉयज डैश डांसिंग,
तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखिए यहाँ पर क्या है, द बॉयज है, यानी कि प्लूरल है, बॉयज है, तो हो जाएगा हमारा वर, यस वर हो जाएगा। ओके अब है दे डैश प्लेइंग फुटबॉल, ठीक है। अब यहाँ पर मैं नहीं बताऊँगी, यहाँ पर दे है तो क्या यूज़ होगा, आप देख लीजिए ये सिंगुलर है कि प्लूरल है, सब कुछ आपको समझता है, तो यहाँ पर क्या यूज़ हो जाएगा, चलिए वर यूज़ होगा, आप समझ ही गए होंगे क्योंकि दे प्लूरल है। अब है मीना डैश रीडिंग अ बुक, तो यहाँ पर क्या यूज़ होगा, तो यहाँ यूज़ होगा वाज, क्यों, क्योंकि यहाँ मीना नाम है और नाम के साथ वाज यूज होता है, ठीक है, तो मीना वाज रीडिंग अ बुक हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अब मेरा ये वीडियो एंड पर है, तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा मेरे चैनल चलो लर्न करते हैं को, क्योंकि मैं ऐसी ही वीडियोस लाते रहती हूँ बच्चों के लिए। ओके रेड कलर में हमारा सब्सक्राइब बटन है, उसे आपको प्रेस करना है, तो ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।